दोस्तों आज है 19 अप्रैल और आज के दिन देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। इस सैटेलाइट को सोवियत यूनियन ने ही लॉन्च किया था। एक्सरे, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया था। आइए जानते हैं सैटेलाइट आर्यभट्ट के बारे में कुछ खास बातें। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को यह नाम इंदिरा गांधी ने महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा था। 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 में इसने दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया था। 360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1975 में इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में 2 रुपए के नोट पर पिछले हिस्से पर छापा। मजा आया। और मैं ये जो